हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 मार्च 2023 और 1 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो नागरिक सुरक्षा, उसके महत्व पर विश्व की जो जनता है उसका ध्यान वो खींचने और जो भी मुसीबत है उनसे लड़ने के लिए जिम्मेदार सभी सेवाओं के प्रयास, बलिदान और उनकी जो उपलब्धि है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक सुरक्षा संगठन है, इन्होंने 1990 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। और इसी के साथ में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो शून्य भेदभाव दिवस है, ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि हर कोई है वो उम्र, लिंग, जाति, त्वचा का रंग, ऊंचाई, वजन आदि की परवाह किए भी नहीं सम्मान के साथ वो जीवन वो जी सके। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव वो नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है फिक्की। इन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी है शैलेश पाठक, इनको अपना नया महासचिव वो नियुक्त किया है। और शैलेश पाठक है, इन्होंने निजी क्षेत्र की कई कंपनियों में प्रमुख पदों पर रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद सन 1986 में जो IIM कलकत्ता से जो MBA की डिग्री हासिल की थी। और फिक्की की जो स्थापना है ये वर्ष 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी और ये सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है और इसका हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है। फिक्की का हेडक्वार्टर वो दिल्ली में और ये एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। और हाल ही में जो नियुक्तियाँ की गई है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं कि राजीव सिंह रघुवंशी, इनको भारत का अगला DGCI बनाने की सिफारिश की गई है। और वकील विक्टोरिया गोरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रिबेलो को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और शमिका रवि को ESCPM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और RBI ने JP Morgan चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और मॉर्गन स्टेनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा ने टाटा ट्रस्ट के CEO बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और नरेश लालवानी, इन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और IIM अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया है। और विक्रम देवदत्त वो DGCA के अगले महानिदेशक होंगे। और माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम जो क्लस्टर है इसके पहले CEO है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो भारत है, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है इसमें भाग लेने के लिए जो मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान और अन्य विमानों को भेजा है। और ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेना वो भी इसमें भाग ले रही है। और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 5 मिराज है जिसमें 2000 फाइटर प्लेन और C-17 और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान है ये भाग ले रहे हैं इसमें। तो ये अभ्यास एक्सरसाइज है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये अभ्यास है वो कोबरा युद्धा रॉयल एयरफोर्स है RAF इनके द्वारा सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से एक है। और भारत वो पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगा और भाग लेने वाले अन्य देश यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया है। और ये अभ्यास है ये भाग लेने वाली वायुसेना के बीच में परिचालन क्षमता का प्रदान करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा ताकि उनकी जो युद्ध क्षमता है उनको बढ़ाया जा सके और दोस्ती के जो बंधन को मजबूत किया जा सके। और इस अभ्यास का उद्देश्य है वो भाग लेने वाली जो वायुसेना के बीच में परिचालन जोखिम प्रदान करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है जिसमें युद्ध क्षमता में वृद्धि और दोस्ती के बंधन को मजबूत करना है।
और ये एल सी तेजस के लिए अपनी जो गतिशीलता और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज वो कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केन विलियमसन है वो बने हैं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अभिनवी बल्लेबाज केन विलियमसन इन्होंने टेस्ट में अपने देश के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं और इन्होंने ये उपलब्धि वो इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की है। और विलियमसन इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो जारी दूसरा टेस्ट है इसमें न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 132 रनों की पारी खेलकर ये मुकाबला हासिल किया है। और विलियमसन अब टेस्ट में 7,787 रन इन्होंने बना चुके हैं। और विलियमसन ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रोस जो टेलर है उनको भी पछाड़ा जिन्होंने टेस्ट मैच में 7,683 रन बनाए थे। और अब केन के द्वारा 7,787 रन बनाए जा चुके हैं। अब जो ये रन बनाए हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि केन विलियमसन है इन्होंने अब तक 92 टेस्ट मैच खेले हैं और इन्होंने 161 पारियों में 53.33 की बल्लेबाजी औसत से 7,787 रन बनाए हैं। और वह रोस टेलर के टेस्ट रन रिकॉर्ड है 7,683 से आगे निकल चुके हैं। और विलियमसन है इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 26 शतक वो जड़े हैं और न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी हैं। और विलियमसन है वो अभी महज 32 साल के हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में अगर वह अपनी एक लय बरकरार रख पाते हैं और अपने 5 से 6 साल क्रिकेट खेलना जारी रखते हैं तो वो और भी कई बड़े रिकॉर्ड है वो अपने नाम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया है और इसके अध्यक्ष वो कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया है और इस आयोग की अध्यक्षता वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। और पुराने कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने और मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और आवश्यक जो परिवर्तन उनका प्रस्ताव देने के लिए आयोग वो जिम्मेदार है। और ये केंद्रीय अधिनियमों को भी सरल बनाएगा जिसमें विसंगति को दूर करेगा। और ये आयोग वो एक समान नागरिक संहिता के जो कार्यान्वयन के साथ एक चुनाव कराने जैसे प्रमुख मुद्दों की जाँच भी वो कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन है वो भारतीय भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा जो रमन प्रभाव उसकी खोज को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और उनकी जो खोज है उनके लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं जैसे 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्र दिवस और 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस और 13 फरवरी को सरोजनी नायडू है उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 14 फरवरी तो 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन दिवस के रूप में और 18 फरवरी को ताज महोत्सव और 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का एक विश्व दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस और 24 फरवरी है तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि 2022 में किस देश की जो प्रजनन दर है वो दुनिया में सबसे कम है 0.78 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये दक्षिण कोरिया में। जो दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर है वो दुनिया में सबसे कम है और प्रति दक्षिण कोरियाई महिला वो अपेक्षित शिशुओं की जो औसत संख्या है ये 2021 में जो 2021 है 0.81 से घटकर ये 2022 है इसमें 0.78 हो गई है। और देश को स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए ये 2.1 प्रजनन दर की आवश्यकता है और इसमें मौतों की संख्या है ये 2020 के बाद जन्मों को पार करके की गई है। और कम प्रजनन दर वो दक्षिण कोरिया में प्रमुख आर्थिक चिंताओं का कारण है वो बन रही है।
अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत में कुछ महीनों पहले जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है और ये जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अहम प्रगति को दर्शाता है जिसमें कुल प्रजनन दर है जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो NFHS है वो 4 और 5 के बीच में 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है और दक्षिण कोरिया है तो इसकी राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया ये पूरी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके पड़ोसी देश है जैसे चीन है जापान है उत्तर कोरिया वो इसके पड़ोसी देश है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वो है दक्षिण कोरियाई वोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यू सोक सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि फीफा पुरस्कार 2022 है ये किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी वो जीता है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी है इनके द्वारा ये जीता गया है। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी है इन्होंने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है और मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन है इसमें अपने साथी के साथ किलियन है और रियल मैड्रिड है उसके कप्तान करीम बेंजेमा है उनको हराकर पेरिस के साले प्लेज इसमें प्रसिद्ध ट्रॉफी वो जीती है और फीफा पुरस्कार में जो वोट में मेसी है वो 52 और एम्बापे है ये 44 पे और बेंजेमा है ये 34 अंक पे रहे हैं। अब ये जो पुरस्कार है तो हाल ही में कौन से पुरस्कार किसको प्रदान किए गए हैं ये भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और एमआरएफ के मेमन को मिला है एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स और बीबीसी इजबोटी अवार्ड है वो विनेश और साक्षी बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता गया है और ग्रेमी अवार्ड 2023 है जिसमें रिकी केज को तीसरी बार सम्मान मिला है और अदार पुनावाला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उड़ीसा के जो वीके पांडियन है इनको एफआईएच प्रेसिडेंट जो अवार्ड 2023 है इनसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इस टेनिस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया जो उड़ीसा के प्रमोद भगत है इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है इसमें शानदार प्रदर्शन किया और इसमें 2 पदक वो अपने नाम किए और प्रमोद को एकल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर CAT इस पॉलिसी को लॉन्च किया है तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये अमेरिका के द्वारा तो अमेरिकी प्रशासन है इन्होंने नई वाणिज्य शस्त्र हस्तांतरण CAT कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर इस नीति का अनावरण किया जो अपनी हथियार निर्यात नीति में मानवाधिकारों पर अधिक जोर देती है और ये ट्रंप युग की नीति के विपरीत है जिसमें वाणिज्य विचारों को अधिक महत्व दिया गया था और नई नीति में जो विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा देखे जाने वाले जो अमेरिकी मूल के सैन्य उपकरण है उनकी सरकार से सरकार हथियारों की जो हस्तांतरण सुरक्षा सहायता और लाइसेंस प्राप्ति वाणिज्य बिक्री की समीक्षा वो इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 है की थीम है वो क्या है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग जो भारत रत्न और महान वैज्ञानिक थे जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज की थी और इसी दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम रखी गई है कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान ही है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज वो कौन बने हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी KGC मुर्मू को चुना गया है।
जिनको 4 साल के कार्यकाल के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।